बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को डिस्कस किया। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जब हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, यानी कि कोई जनरल प्रिंसिपल है उससे हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वो हमारा डिडक्टिव होता है। और जब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम जनरल की तरफ जाते हैं, काम प्रिंसिपल बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव मेथड। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को, तो ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ। तो इकोनॉमिक्स, एक द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द एंशंट ग्रीक वर्ड है। इकोनॉमिक्स क्या है? ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जो के क्या है? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया शुरू में इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये ग्रीक की लैंग्वेज थी, तो बाद में उसको इंग्लिश लैंग्वेज ने अडॉप्ट करके इकोनॉमिक्स किया, मगर शुरू में इसको हम ओकोनोमिया कहते थे। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज़ द ग्रीक वर्ड इन रिप्लेस ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ड। तो वो क्या वर्ड था? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया शुरू में कहते थे, जिसका मतलब क्या था? मीनिंग द मैनेजमेंट ऑफ फैमिली हाउस होल्ड। और इसके अंदर के मैनेज करना किसी फैमिली को या हाउस होल्ड को, घर को, उसके एक्सपेंसेस को, उसकी इनकम को मैनेज करने को ओकोनोमिया कहते थे। और इसका इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट वर्ड हमारे पास क्या आया? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड है जो ओकोनोमिया से लिया गया है। क्लियर है? अच्छा, इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। अच्छा, वेल्थ के अंदर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स को, वेल्थ को, तो ये किसने बताया? ये एडम स्मिथ ने बताया। अच्छा, एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो क्या दी थी? नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, बेसिकली एडम स्मिथ थे कौन? ये एक स्कॉटिश जो थे प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे। अच्छा, इनका क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, दूसरी जंग अजीम हुई थी, तो सारी दुनिया डिवाइड हो गई थी दो कंट्रीज़ के अंदर, ना, दो बड़े ग्रुप्स के अंदर। एक तरफ तो उसके अंदर USA, UK वगैरह थे, दूसरी तरफ जापान था, उसके अंदर रशिया, और ये कंट्रीज़ जो थी वो एक तरफ थी। तो जब इनके अंदर वर्ल्ड वॉर हुई, और जब वॉर होती है तो सारे जो एसेट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो तबाह हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लोग बमबारी करते हैं, टैंकों से फायर करते हैं, तो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। तो जब दूसरी वर्ल्ड वॉर, दूसरी आलमी जंग दुनिया के अंदर लंबे अरसे तक चली, उसके अंदर सारी दुनिया तबाह हो गई। जब सारी दुनिया तबाह हो गई तो सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आए, फूड क्राइसिस आए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था तो चीज़ों की प्राइसेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाती थी। यानी कि उस दौर में एक आ जाता है कि वन लूफ ऑफ ब्रेड, यानी कि एक ब्रेड के पीस के लिए, जो हमारी ब्रेड होती है उसका जो एक लूफ ऑफ ब्रेड होता है, एक पीस होता है, उसके लिए लोग बोरी में भरकर पैसे लाइन में लगते थे। और जब उनका नंबर आता था तो वो प्राइजेज और बढ़ जाते थे, यानी कि इतने प्राइजेज, क्योंकि फूड आइटम तो कोई प्रोड्यूस हो नहीं रहा था। जंग के दरमियान क्या होता है? जंग के दरमियान अगर तो कोई फैक्ट्री चल रही होती हैं तो वो भी सिर्फ फौजियों की चीज़ें बना रही होती हैं, या तो वो असला बना रही होती हैं, या फौजियों के यूनिफॉर्म बना रही होती हैं, या उनके जूते बना रही होती हैं, और प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ना क्लोथिंग बन रहे होते हैं, ना एग्रीकल्चर में कोई चीज़ फूड आइटम बन रहा होता है। तो जब होगा क्या? जब फूड आइटम नहीं बनेगा, जब कपड़े नहीं बनेंगे, जब गाड़ियां नहीं बनेंगी, तो क्या होगा? इकोनॉमी में कुछ आएगा ही नहीं, जो कुछ था वो तबाह हो गया, फूड आइटम है नहीं। तो लोगों के पास क्या था? पैसा था। अब वो पैसे को खा तो नहीं सकते। अगर आपके पास लाखों रुपए हों और आपको भूख लग रही हो, तो आप लाखों रुपए आपके लिए यूजलेस है, आप उसको खा नहीं सकते। वो तो जस्ट एक मीन है, वो किसी चीज़, आप उससे कोई चीज़ खरीद सकते हैं, मगर पैसे को आप खा नहीं सकते। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं थी, जब फूड आइटम नहीं था, सिर्फ पैसे थे, तो इतनी प्राइजेज अप हो गई, इतनी प्राइजेज अप हो गई, जो ग्रेट डिप्रेशन आया, जो ग्रेट डिप्रेशन आया, और उस डिप्रेशन के अंदर प्राइजेज इतनी इंक्रीज हो गई थी कि लोग बोरियों में भर के पैसे जब लाइन में लगते थे तो प्राइस कुछ और होती थी, और जब उनका नंबर आता था तो प्राइस कुछ और हो जाती थी। ये कैसे होता था? देखो, जब
चीज़ें 10 चीज़ें बेचने की हैं, 100 लोग खरीदने वाले, एकदम से 200 लोग खरीदने वाले आ जाएं और वो बोले हम ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, हमें दो, तो सेलर क्या करेगा? सेलर के पास तो 100 यूनिट हैं या 10 यूनिट हैं, वो उनकी प्राइस बढ़ा देगा। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो अंग्रेज़ों ने लड़ी उसके अंदर खुदकुशियाँ की, लाखों लोग मर गए, जो जिंदा रहे उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा है वो किसी काम का नहीं है, वो रोड़ों पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो बैगों में भरा हुआ है, वो बोरियों में भरा हुआ है, मगर उसके अगेंस्ट कोई ब्रेड नहीं देता, उसके अगेंस्ट कोई फूड आइटम नहीं मिलता, उसके अगेंस्ट तुम्हें दूध नहीं मिलता, उसके अगेंस्ट तुम्हें पानी नहीं मिलता। तो सारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो फिर क्या हुआ कि यूके और यूएसए वालों ने अपने तमाम, जो एक ग्रुप बना हुआ था जो एक साइड पे था, वर्ल्ड वॉर के अंदर आधी दुनिया की कंट्रीज थी वो एक साइड पे थी और बाकी कंट्रीज एक साइड पे थी, जिसके अंदर यूएसए, यूके, ये जर्मनी, ये बड़ी बड़ी कंट्रियाँ एक साइड पे थी। तो इन लोगों ने अपने मुल्क के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनको बुलाया, और उनको बुलाने के बाद इन्होंने कहा कि भाई आप बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो क्राइसिस आया है इसके अंदर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेंगी, दोबारा से हम किस तरह से स्टेबल हो सकते हैं। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आईडी दिए जिसके अंदर एडम स्मिथ का भी नाम है, और एडम स्मिथ ने ये कहा कि लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे, लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे। अब जब स्पेंडिंग नहीं कर रहे तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है और हमारी इंडस्ट्रियां नहीं चल रही है, अगर जो पैसा है उसकी वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने $1 a day वाली स्कीम इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है, $1 a day। अब आपको पता है कि यूएसए ज़्यादातर अपने असले प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मगर दुनिया के अंदर जो बेहतरीन रोड सिस्टम है वो यूएसए में, यूएसए की 52 स्टेट्स हैं और उन तमाम स्टेट्स में उनका ऐसा रोड सिस्टम है कि बाय रोड वो एक पूरे यूएसए में 52 स्टेट्स में घूमते हैं और बहुत अच्छा रोड सिस्टम है। ये कब से बना हुआ है? ये तब से बना हुआ है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। इसी तरह यूके के अंदर दुनिया का बेहतरीन रेलवे सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है वो पूरी दुनिया में जो बेस्ट है वो यूके का है, वो बहुत ज़बरदस्त उनका रेलवे सिस्टम है। अच्छा, अब ये जो रोड सिस्टम है ये कहाँ पर है? यूएसए का जो बेहतरीन है ये कब से है कि जब उस वक्त इकोनॉमी आया और उन्होंने बोला कि लोगों को आप काम करने पे आमादा करें, कि लोग दोबारा से उठें और वो कंस्ट्रक्शन का काम करें और उनके पास पैसा आए और फिर वो खर्च करें और इस तरह से हमारे बाकी तमाम सेक्टर दोबारा से ग्रो होंगे। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस किया और गवर्नमेंट ने $1 a day वाली स्कीम इंट्रोड्यूस कराई। उसमें उन्होंने बोला कि जिनकी उम्र 18 साल से एक सर्टेन 30-35 साल तक की उम्र के जितने लोग हैं वो आ जाएं, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे और हम उनको पैसे देंगे। तो तमाम लोगों के पास वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोई काम करने को तो था नहीं, तो सारे लोग चले गए। तो लोग गए तो गवर्नमेंट ने उनसे क्या करवाया? गवर्नमेंट ने उनसे रोड कंस्ट्रक्शन करवाई, रोड बनाना शुरू किए। जब वो हज़ारों लोगों ने मिलकर रोड बनाना शुरू किए तो अमेरिका के अंदर रोड बनना शुरू हुए, और फिर डे एंड पे क्या हुआ, मंथ एंड पे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा आया $1 a day, $1। तो उससे उन्होंने क्या करा, उससे उन्होंने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ख़रीदा। बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या था, जब ग्रेट डिप्रेशन से निकल गया, लोग निकल गए दुनिया, तो फिर वो जब दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होने लगी तो फिर उन्होंने क्या करा कि वो दोबारा से आए अपनी बेसिक्स की तरफ, और उन्होंने आकर जब $1 a day वाली स्कीम इंट्रोड्यूस कराई, लोगों के पास पैसा आया, लोग कहाँ जाएंगे, लोग शॉप पे जाएंगे, लोगों ने आटा खरीदना शुरू किया, लोगों ने चीनी खरीदनी शुरू की, लोगों ने और फूड आइटम खरीदने शुरू किए। तो हुआ क्या कि जैसी दुकान के अंदर डिमांड आई तो दुकान वाले ने होलसेलर को बोला कि भाई आप मुझे मजीद आटा दें, मजीद चीनी दें, मजीद फूड आइटम दें। तो होलसेलर जो था उसके पास भी एकदम से डिमांड इंक्रीज हुई, तो होलसेलर ने क्या करा, मजीद लोगों को हायर किया, उनको सैलरी दी, उन लोगों ने भी क्या करा, वो लोग भी जाके दुकान से खरीदेंगे, और फिर होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कहा कि भाई अब डिमांड इंक्रीज हो गई, आप प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो फिर मैन्युफैक्चरर ने लोगों को हायर किया और वहां पर काम शुरू हुआ। जब मैन्युफैक्चर के पास कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा, आटा आएगा, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर से आएंगी, और मैन्युफैक्चर ने किसानों से कहा कि भाई अब डिमांड बढ़ गई है, आप हमें ज़्यादा चीज़ें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, गुड्स प्रोवाइड करें। तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर उन लोगों का बूम हुआ। तो ऐसे करते 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 25 ईयर्स के अंदर उनकी इकोनॉमी दोबारा से
स्टार्ट हुई, दोबारा से ग्रो हुई, ठीक है। और वो स्टार्ट कहाँ से हुई, $1 अ डे वाली स्कीम से, कि वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, फिर दुकान वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, फिर दुकान के बाद होलसेलर के पास गए उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, होलसेलर के बाद मैन्युफैक्चरर के पास गए उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, फिर वहाँ से काम शुरू हुआ, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो हुआ। तो जैसे जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहा, वैसे वैसे लोगों को पैसा मिलता रहा, वैसे वैसे लोग अपनी बेसिक फूड आइटम को ख़रीदने जाते रहे, और वो बेसिक फूड आइटम को ख़रीदने गए तो वहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ हुई, शॉप लेवल पे डिमांड इंक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, फिर होलसेलर के पास डिमांड इंक्रीज़ हुई और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, फिर मैन्युफैक्चरर के पास क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज़ हुई और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। इसी तरह करते करते उनकी इकोनॉमी के तमाम सेक्टर ग्रो करने लगे, तमाम सेक्टर में दोबारा से ग्रोथ हुई, लोग दोबारा से फैक्ट्रियाँ लगने लगी, एग्रीकल्चर दोबारा से उठने लगा, और मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर तमाम उठकर 25 इयर्स में उनकी इकोनॉमी ग्रो कर गई। तो इसके अंदर उन्होंने क्या करा, क्रिएटिंग वेल्थ की। अब वेल्थ क्या होती है, वेल्थ मीन्स होता है, वेल्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, गुड्स, सर्विस और फाइनेंशियल एसेट। अब गुड्स के अंदर क्या होता है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें वो क्या हैं, गुड्स हैं, दुनिया की जितनी भी चीज़ें क्या हैं, गुड्स हैं। और इसके अलावा जब गुड्स नहीं होती लाइक, फिर सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, कि जैसे आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज, लॉयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इंजीनियर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये कोई गुड्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन सर्विसेज के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और अगर सर्विसेज नहीं लेते तो फिर क्या होता है, जो हमारा इंक्लूड होता है वेल्थ के अंदर, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स के हमारे पास शेयर्स, बॉन्ड्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह, ये सब आती हैं, इंशाल्लाह इनको हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो हमने क्या बात डिस्कस की, इकोनॉमिक के अंदर कंजप्शन, कंजप्शन मतलब कि जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो ही किसी दूसरे की इनकम बनती है, एक बंदे का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे बंदे की इनकम होती है। तो इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा इस एक्सपेंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, उतनी ज़्यादा इनकम ग्रो करेगी। लोग अगर अपना पैसा होल्ड करके रख लेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कब जनरेट होगी, जब लोग स्पेंड करेंगे, जब लोग खर्च करेंगे। तो जितना ज़्यादा लोग खर्च करेंगे उतना दूसरे लोगों को, जब आप एक कार खरीदते हैं तो वो आपका एक्सपेंडिचर होता है, दूसरे की इनकम होती है, फिर वो सैलरी देता है। तो जितना ज़्यादा लोग खर्च करते हैं उतना ज़्यादा उनकी क्या होता है, स्पेंडिंग होती है, उतनी ज़्यादा इनकम होती है। तो स्पेंडिंग और इनकम, अच्छा अब स्पेंडिंग हमारी दो किस्म की होती है, एक वो होती है कि जो हम कैश की बेसिस पे कर रहे हैं, और दूसरी क्रेडिट होती है। लाइक कि अगर एंटरप्रेन्योर है, कोई काम करने वाला बिजनेसमैन है, उसके पास सलाहियतें हैं मगर उसके पास क्या नहीं है, सलाहियतें हैं मगर उसके पास पैसा नहीं है, तो भी उसको क्रेडिट चाहिए, वो क्रेडिट से बिजनेस अपना ग्रो करेगा, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट फिलहाल आपको इस स्टेज पे समझना ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि एक बंदे की स्पेंडिंग दूसरे बंदे की इनकम, फिर वो इनकम जिसको मिलेगी फिर वो स्पेंड करेगा, फिर वो किसी और की इनकम बनेगी, फिर वो जिसकी इनकम बनेगी वो स्पेंड करेगा, वो फिर किसी और की इनकम बनेगी। तो स्पेंडिंग और इनकम आपस में को रिलेटेड है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करती है। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी थी, एडम स्मिथ ने क्रिएटिंग वेल्थ, कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करें। अब वेल्थ के अंदर क्या होता है, कि वेल्थ के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज आती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। लाइक उसके जो मेन पॉइंट थे, उनके जो मेन पॉइंट थे, वो मेन पॉइंट क्या थे उनके, उनके थे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कंजप्शन ऑफ वेल्थ। कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उतनी ज़्यादा कंजप्शन होगी, और उन्होंने वेल्थ। अब वेल्थ मतलब क्या है, वेल्थ मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज और फाइनेंशियल एसेट। अब इसके ऊपर फिर लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया, बहुत सारे लोग उन्होंने इनको क्या करा,
क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज मतलब क्या किया कि इन पे क्रिटिसाइज किया कि तुम लोगों को सिर्फ पैसा ग्रीडी बना रहे हो, लोगों को बोल रहे हो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा तुम खुशहाल होगे, उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होगी, मगर ऐसे में तो लोग ग्रीडी हो जाएंगे। तो फिर इसके एक दूसरे की वेलफेयर, एक दूसरे की वेलबींग होना, खुशहाल होना, इसका फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। लोग दूसरों के राइट को एक्सप्लाइट करेंगे, दूसरों के राइट को वो ख़त्म कर देंगे। उनका सिर्फ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होगा, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू अर्न मनी होगा। तो जब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आए तो उसके बाद कुछ और लोगों ने भी इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन दी, जिनके अंदर क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोफेसर मार्शल की, एल्फर्ड मार्शल हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। एल्फर्ड मार्शल के अलावा किसने डेफिनेशन दी, एल्फर्ड मार्शल के अलावा डेफिनेशन दी है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तो हम भी अपने सिलेबस के अंदर इन तीन लोगों की डेफिनेशंस को, इन तीन लोगों की डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। जिसके अंदर हमारे पास कौन है, जिसके अंदर हमारे पास है प्रोफेसर एडम स्मिथ, जो के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ के बाद हमारे पास कौन है, एल्फर्ड मार्शल है। एल्फर्ड मार्शल के बाद हमारे पास कौन है, प्रोफेसर रॉबिन्स है। तो बात समझ में आ रही है। अभी हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जब भी इकोनॉमिक्स में आपसे पूछेंगे कि इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर एमसीक्यूज में आता है और पूछते हैं कि फादर इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ हैं, रॉबिन्स हैं, एल्फर्ड मार्शल हैं, या सैमुअलसन है, या कोई और डेविड रिकार्डो है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक के अंदर पहली थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो इसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।